नेक्स्ट टॉपिक है 111 का चैप्टर संख्या 5 का और फोर्थ क्लास है इस चैप्टर संख्या 5 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब आप ध्यान रखिए, भी बहुत जगह यूज होता है ये वर्ड। संरक्षण का मतलब होता है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई वैल्यू जैसी है वैसी रहे। संरक्षित का मतलब है जितनी वैल्यू है वो उतनी रहे, संरक्षित रहेगी वो। संरक्षित का मतलब जैसा है वैसा रह जाए। मान अगर हमारे पास कोई सामान है, जितना है वो उतना ही है, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हुआ है तो वो संरक्षित है, तब हम उसको कह सकते हैं कि उसका संरक्षण हो गया है। संरक्षण हो गया, संरक्षण हमने कर रखा है उसको, उसको हमने वेस्ट नहीं किया, उसका यूज नहीं किया, खर्च नहीं किया। तो वही बात यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ किसका संरक्षण है, किसका है, मोमेंटम का है, संवेग का। संवेग संरक्षित रहता है यानी संवेग निश्चित रहता है, यानी संवेग नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही बात है संवेग संरक्षण। तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात करते हैं। उसके लिए हम गति का दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में, जिसमें हमने बात की थी कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपी बाहरी बल के बराबर होती है, समानुपाती होती है। तो F इज इक्वल टू लिया था डीपी अपॉन डीटी। तो हमें क्या करना है, संवेग को निश्चित बताना कि संवेग निश्चित कब होता है, ये हमें बात बतानी है। तो इसका जो रिजल्ट है, जो उसके डेफिनेशन है, वो बाद में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस से कि क्या कैसे होगा। जो जब प्रोसेस को हम फॉलो कर लेंगे उसी को हम रिजल्ट बनाते हैं। तो रिजल्ट के लिए कोई रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अपने पास गति के द्वितीय नियम से एक बात है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या है, दूसरे नियम से संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित भारी बल के समानुपाती होती है। से संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाहरी बल के बराबर होती है या समानुपाती होती है, और ये परिवर्तन की दर हो गई जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था, F इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। F इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। हमें बताना है संवेग संरक्षित रहे, P को निश्चित करना है। तो इसके लिए क्या करें, यदि बाहरी बल शून्य हो, लगे नहीं बाहरी बल, किसी भी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है बराबर जीरो। ठीक है, ए बराबर जीरो, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो। एफ की वैल्यू क्या पुट कर दी अपने इस इक्वेशन में, जीरो पुट कर दी, आर एच एस एज इट इज है, डीपी बाय डीटी इक्वल टू जीरो। अब परिवर्तन की दर क्या होती है, बहुत बार बात कर चुके हैं इन चीजों की, कि परिवर्तन की दर को गणित में अवकलन कहते हैं। अवकलन, अवकलन का मतलब ही होता है परिवर्तन की दर, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही अवकलन कहते हैं। और परिवर्तन की दर को नॉर्मली किससे शो करते हैं, डी बाय डीटी से शो करते हैं, यही है परिवर्तन की दर, किससे, डी बाय डीटी। डी का मतलब डिफरेंस, चेंज, चेंज इन एनी वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। यहां लिखा है डीपी अपॉन डीटी, इसका मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन की दर। तो समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, अब हमने लिख दिया कि परिवर्तन कितना हो रहा है, जीरो। गणित में सीधा कह सकते हैं किसी राशि का अवकलन जीरो होता है तो इसका मतलब वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का ही अवकलन जीरो होता है। हम ये बात लिखते हैं फॉर्मूले लिखते तब कि डी अपॉन डीटी अगर सी है, सी का मतलब कॉन्स्टेंट है, तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो। जैसे हम यूज भी करते हैं बहुत जगह, हमने यूज कर ली ये बात है कि अगर फाइव लिखा है तो इसका अवकलन क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि डी अपॉन डीटी क्या कह रहे हैं, परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष परिवर्तन, किस में परिवर्तन, पांच में। तो पांच में परिवर्तन हो सकता है क्या समय के सापेक्ष,
पांच में परिवर्तन हो सकता है क्या? दो घंटे बाद भी पांच कितना रहेगा? पांच पहले भी पांच ही था, बाद में भी कितना रहेगा? कल भी हम पांच को पांच ही लिखेंगे, तो पांच में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बिकॉज पांच जो है वो क्या है, पांच जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर है, एक संख्यात्मक मान है और संख्याएं बदलती नहीं है। सात को सात ही लिखेंगे, सात को आठ नहीं लिख सकते हम, इसलिए वो क्या है, समय के साथ नहीं बदलेंगी ये चीज। समय के साथ हमारी हमारा विस्थापन बदल सकता है, पांच मिनट के बाद हम यहां से दूसरी जगह हो सकते हैं, तो वो तो परिवर्तन हो सकता है विस्थापन में, परिवर्तन जिसको हम वेग कह देते हैं, लेकिन संख्याओं में निश्चित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कैसे पता चले परिवर्तन नहीं होता है? अगर मान लो किसी के आगे जीरो लिखा है, परिवर्तन की दर जीरो लिखी है, कुछ संख्या तो हमें पता चली गई भाई जो चीजें निश्चित है वो तो परिवर्तन होगा ही, तो उनका तो अवकलन जीरो। अब डेरिवेशन में कैसे पता चले कौन सी निश्चित संख्या है? अगर किसी में परिवर्तन की दर जीरो है, एक्स का मान जीरो रखते हैं, इधर से क्या देख रहे हैं कि पी डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? जीरो है। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या हो गया, वो क्या हो गया? निश्चित हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बाय दिस इक्वेशन वी कैन राइट एज पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी का मान क्या हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, तो मतलब जैसा है उतना ही हो गया, क्या हो गया, संरक्षित हो गया, फिक्स हो गया, संरक्षण हो गया, यही संरक्षण होता है। अब इसका नियम हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाए, ये तो गति का दूसरा नियम है, ये तो ये गति का, ये संरक्षण का नियम है, ये तो गति का दूसरा नियम है। संरक्षण का नियम कब बढ़ जाता है, जब इसके अंदर एक बात और जोड़ देते हैं, ये बात और इसमें प्लस कर देते हैं, कौन सी बात, एफ इज इक्वल टू जीरो, तब ये आता है। अगर ये जीरो नहीं रखेंगे तो आएगा तो ये नहीं आएगा, तब तो क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, बस ये रहेगा, आएगा नहीं। तो ये कब आया, जब हमने क्या यूज किया, क्या यूज किया, एफ इज इक्वल टू जीरो यूज किया, तब आया ये, वरना ये नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुई इसकी डेफिनेशन, संरक्षण का सिद्धांत क्या हुआ, यदि किसी कण पर, किसी वस्तु पर आरोपित बाहरी बल का मान शून्य हो, बाहरी बल का मान, या ये कहते हैं कि उस पर बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए, शून्य का मतलब नहीं है बल, नहीं है वहां बल आरोपित नहीं किया जाए, तो उसका संवेग क्या रहता है, निश्चित रहता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये बात हमें लिखनी है। अब रिजल्ट आ गया अपने पास, तो टॉपिक कंप्लीट। क्या यदि ये रिजल्ट है इसका, अगर आपको नियम लिखना है तो सीधा लिख सकते हैं, यदि किसी कण पर आरोपित बाहरी बल शून्य हो, शून्य हो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि बल नहीं लग रहा हो, दोनों बातें, कण पर बाहरी बल नहीं हो, दोनों में से एक बात लिख सकते हैं, नहीं हो तो उसका संवेग निश्चित रहता है, निश्चित का मतलब संरक्षित रहता है, संरक्षित का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, लिख लें, पढ़ लें, और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा दो तीन बार प्रैक्टिस करके देखें तो क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।